सो ये गाइस कैसे हम सब लोग हो के सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस मेरा नाम है मनीष सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजी। सो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम एक नई टेक्निक सीखने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं कंटेंट अवेयर स्केल। अच्छा क्या होता है ये? अब बेसिकली अब हमारे पास में एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे पास में सामने एक इमेज है। अब है ना, अब ये इस इमेज के अंदर हमें चाहिए कि इस इमेज का जो साइज है ना वो इतना हो जाए कि ये पूरा एंड टू एंड चारों कोनों पर टच हो जाए। लेकिन ऐसे करने पे क्या हो रहा है, आपका जो पिक्सल है स्ट्रेच हो जा रहा है, आपका सब्जेक्ट जो है स्ट्रेच हो रहा है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, है ना? तो इस कंडीशन में कई लोग क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा एरिया जो है बाहर जाने देंगे, लाइक दिस, इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे, जैसा है वैसा का वैसा छोड़ देंगे लेकिन ऊपर और नीचे एक्स्ट्रा जाने देंगे। बट इस कंडीशन में अगर आपके पास में कुछ ऐसा कंटेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको इम्पोर्टेंट चाहिए तो वो यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, है ना? तो इसलिए हम अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इस टेक्निक का यूज़ नहीं करते। फिर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कंटेंट अवेयर स्केल। अच्छा कैसे, मैं इसका जो है कॉपी बना लेता हूँ और ये सिर्फ और सिर्फ रास्टर इमेजेस पे यूज़ होता है, ना कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है? अच्छा अब यहाँ पर चलते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया इस इमेज को जो ऊपर वाली लेयर है, नीचे वाली लेयर जस्ट बैकअप के लिए है सो दैट अपन बिफोर आफ्टर देख पाए, है ना? ये मैंने क्या किया, जो अपना सब्जेक्ट है इसको सेलेक्ट कर लिया लाइक दिस। देन उसके बाद जाएंगे सेलेक्ट में, फिर जाएंगे सेव सेलेक्शन और इसका नाम अपन सेव कर देंगे। अब आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, लेट्स से मेन सब्जेक्ट, क्लिक करते हो गया, कंट्रोल डी करता हूँ, ये डन हो चुका है ना। कंट्रोल डी करने से डी सेलेक्ट हो गया और अपन ने जो सेलेक्शन बनाया वो सेव भी हो गया, ठीक है? अच्छा फिर अपने को जाना है एडिट के अंदर, कंटेंट अवेयर स्केल। जैसे ही आप इसके अंदर जाओगे तो आपके पास में यहाँ पर प्रोटेक्ट आ जाएगा, है ना? यहाँ प्रोटेक्ट के अंदर अगर बाय डिफॉल्ट नन होगा तो आपको यहाँ पर जो आपका अभी सिलेक्शन बनाया जिस नाम से सेव किया उस सिलेक्शन को सेलेक्ट कर लेना है, कर लिया, ठीक है? अब इसके बाद में अगर आप स्ट्रेच करोगे तो सी आपका सब्जेक्ट वैसा का वैसा रहेगा, आपके बाकी जितने पिक्सल थे वो स्ट्रेच होंगे लाइक दिस। तो अगर कोई पहला इंसान पहली बार उसको देख रहा है तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये स्ट्रेच हुआ है कि नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एज इट इज जैसा होना चाहिए था वैसा का वैसा चीज़ है और अपना सब्जेक्ट भी वैसा का वैसा ही है। और अगर आप जो है सिंपल विड्थ में काम नहीं करना चाहो, हाइट में भी काम करना चाहो, उसमें भी कर सकते हो। कैसे, चलो देखते हैं। मैं इस बार इसको बंद करता हूँ और इसको अपन थोड़ा सा जो है इस तरफ से कम कर लेते हैं और ऊपर से इसको बढ़ा लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है? सेम सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट अपन ने सेलेक्ट करके रखा है उसी को रखेंगे। कंट्रोल जे कर लेता हूँ इसको भी। फिर जाएंगे इमेज में, सॉरी एडिट में, कंटेंट अवेयर स्केल, प्रोटेक्ट अब मैं डाल दिया अपने मेन सब्जेक्ट। और अब अगर आप देखें हमारे पास में एज इट इज़ जैसा अपने को चाहिए वैसा का वैसा इफेक्ट आ रहा है, कुछ भी चीज़ स्ट्रेच नहीं हो रही है ना? सो ये तरीका है किस तरीके से आप जो कंटेंट अवेयर स्केल का यूज़ करके अपने सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करते हुए आपकी इमेजेस का साइज इंक्रीज कर सकते हो, राइट? चलिए आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।